भागो। यात्रियों नमस्कार, मैं जहाज का कप्तान बोल रहा हूँ। आप सबका इस यात्रा में स्वागत है। इस वक्त 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और हमारी रफ्तार है 400 मील प्रति घंटा। मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए हम इटली अपने नियत समय से 15 मिनट देरी से पहुँचेंगे। धन्यवाद। यात्री ध्यान दें, मैं आपका कप्तान बोल रहा हूँ। मौसम खराब है, नीचे के जहाज पर बिजली गिर गई है और उसमें आग लग गई है। प्लीज अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें। ये दरवाजा किसने खोला? जाओ जाओ, दरवाजा बंद करो। अरे नहीं, ये कौन है और कूद क्यों गए? चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ।
नहीं आ रहा है कि मोटू पतलू को ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि अलग से प्लेन में आ रहा है। अरे एक दिन पहले हमारे साथ आ गया होता तो हम सब साथ में घूमता। कंसीडर राम इज करेक्ट। डॉक्टर जटका, मोटू को आप भी फोन करो और पूछो, पता करो वो लोग कब तक पहुँचेंगे। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारे कार के ऊपर एरोप्लेन लैंड हुआ है। सिंघम सर, हमारी मुसीबत तो आपकी मुसीबत से ज्यादा बड़ी है। हम जिस प्लेन से आ रहे हैं उसमें पायलट ही नहीं है। ओ नो, तुम लोग अगर बड़ी मुसीबत में हो तो फिर हमें मुसीबत से कौन बचाएगा? हमारी कार किसी भी वक्त गिर सकती है। तुम लोग इस टाइम कहाँ हो? पास में लीडिंग टावर दिख रहा है, शायद हम इटली पहुंच गए हैं। क्या? मुझे भी तो लीडिंग टावर दिख रहा है। हमारा ये प्यार हमें आपस में पास में ले आया। अरे मार क्यों रहे हो? प्यार जताने का ये कौन सा तरीका है? मुझे थोड़ा ही पता था कि तुम लोग उस कार में बैठे हो। अरे तुम लोग परदेश में दोस्ती का मजाक क्यों उड़वा रहे हो? इतने दिनों बाद मिले हो, गले मिलो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। Careful! ये statues 1000 years old हैं। इनको कुछ नहीं होना चाहिए। One more important thing, किसी को भी कोई ancient book मिले तो immediately मुझे देना। उसमें hidden civilization के secrets हैं। Save my statues!
थैंक यू मोटू पतलू, आपने हम सबकी जान बचा ली। अरे थैंक यू की क्या बात है बड़े भैया, कोई बात नहीं, देखिए इंसान ही इंसान के काम आता है। अरे कोई रोको उसको, रोको। अब क्या होगा, प्लेन से तो बच गए लेकिन मोटर से कैसे बचेंगे? पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया, मोटू जब सब कुछ फेल हो जाए तो समोसे की ताकत ही काम आती है। मैं टिफिन में तुम्हारे लिए समोसे लेके आया था, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। What this man is doing? बोल्डर की तरफ क्यों जा रहा है ये? अरे ये क्या है? Well, ancient book, I don't believe this. इस बुक को मैं कब से ढूंढ रहा था। थैंक यू मोटू। अब मोटू जी, आई कांट एक्सप्लेन, आज आपने क्या ढूंढ निकाला है। इस बुक के बिना एंशिएंट सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं हो पाते। थैंक यू मोटू, थैंक यू। ये देखिए, कोई गेम लगता है, शायद आपके काम का हो। सर, अगर आपको एतराज ना हो तो ये गेम मैं रख लूं, प्लीज। श्योर श्योर, टेक इट। आपको मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रखिए रखिए। मोटू पतलू, तुम दोनों ने लेट आकर बहुत कुछ मिस किया। हमने 2 डेज में काफी कुछ घूम लिया है, चलो आज हम तुम दोनों को घुमाएंगे। घूमेंगे, चलो चलो। ये क्या है? पतलू, बड़े भैया, चिंगम सर, जल्दी उधर देखो, उधर देखो, उस केव में लाइट जल रही है। मोटू, बाहर सूरज की रोशनी से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी। चलो पहले कुछ खाने चलते हैं। खाना? मैं अभी आया। पतलू, बहुत भूख लगी है। समोसे? इटली में समोसे नहीं मिलते। समोसे मिल गए, इटली में समोसे मिल गए, मैं तो पहले समोसे खाऊंगा फिर घूमूंगा। मोटू,
तुम ये क्या कर दिया? समोसे की ताकत से अपना पीठ खुल जाने के चक्कर में एक टावर को टेढ़ा कर दिया। मार सुटिया पापड़ वाले नो, मुझे तुमने इस हेरिटेज बिल्डिंग को टेढ़ा कर दिया यार। क्या टिकर्स आते ही होंगे, पता नहीं अब क्या होगा। मेरी खुजली तो ठीक हो गई, लेकिन टावर टेढ़ा हो गया रे। बोले भैया सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं अभी ठीक करता हूँ, अभी करता हूँ। हट जाओ, सब लोग साइड हट जाओ। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? पतलू, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। पर मेरी वजह से ये टावर टेढ़ा हो गया है। तुम भी साइड हो जाओ, टावर किसी भी टाइम गिर सकता है। उसने लीनिंग टावर को सीधा कर दिया। अरे ये क्या कर दिया? डॉक्टर झटका घसीटा राम को तो बस मजा लेने का मौका चाहिए। पर तुम भी मोटू, तुमने जिस टावर को सीधा कर दिया है, उसका टेढ़ा होना ही उसकी खासियत है। ये टावर 14 सेंचुरी में बनी है और तब से ऐसे ही है। तुमने तो इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी। सॉरी पतलू, पर मैं इतनी इम्पोर्टेंट क्रिएशन को खराब करने का बोझ नहीं झेल पाऊंगा। अभी ठीक करता हूँ, फिर से टेढ़ा कर देता हूँ। बाकी के टावर्स तो बच गए। इससे पहले कि तुम्हें कोई पकड़ ले, यहाँ से भागो। वो देखो, गेम में फिर से लाइट जल रही है। उड़ी बाबा, हमको तो लगता है ये गेम हमको अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा है, इनविटेशन दे रहा है। अब तो हम सब गेम के भी आ गया है, चलो गेम खेलते हैं। गेम मुझे मिला था तो फर्स्ट चांस मेरी होगी, मेरी बारी। नेक्स्ट छे नहीं आए। नेक्स्ट अब मैं दिलाऊंगा छे। नेक्स्ट अब देखो मेरा कमाल। नेक्स्ट प्लीज। तुमसे नहीं हो पाएगा। कहाँ गए सब?
मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। हाय फ्रेंड। मुनी बाबा, मामुनी। डरो मत। टेल मी, डू यू लाइक वाटर वर्ल्ड? यस यस, हमें वाटर वर्ल्ड बहुत पसंद है। स्लाइड में सरकना, पानी में कूदना, रेन डांस करना, सब पसंद है। गुड, वेरी गुड, देन वेलकम टू वाटर वर्ल्ड। बूम बूम रम पम पम पम। हम लोग होटल के रूम से सीधा सीधा पानी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो गए? सोचने वाली बात यह है कि हम लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के पानी के अंदर सांस ले रहे हैं और आराम से खाए। ये सब कुछ उस घसीटा राम की वजह से हुआ है। लालच में गेम खेलने का नतीजा देख लिया ना, ये गेम खेलने की जिद करता और ना हम सब इस बड़ी मुसीबत में होते। ओए कसम मेरे मर्जियों की, घसीटे, इस बार से तो मैं भी एग्री करता हूँ यारी। बस करो बस करो ना, मानता है हमसे हो गया गलती, सॉरी। आप आ ही गए हैं तो आसपास का नजारा तो देख ले, फिर मौका मिले ना मिले दोबारा। ये मैजिकल गेम की मैजिकल दुनिया है। मैजिकल लेडी ने बड़े प्यार से हमें यहाँ फंसा दिया। मिलेगी तो पूछूंगा उसने ऐसा क्यों किया। वेलकम वेलकम, वाटर वर्ल्ड में इंसानों का स्वागत है और आप लोग टूरिस्ट लगते हैं। ऑक्टोडॉन के वन मैन बैंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ऑफर है। पेट में कब से चूहों ने धमाल चौकड़ी मचा रखी है। पतलू बड़े भैया जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि कोई और अपने आगे निकल जाए। मोटू जल्दबाजी में एक गलती घसीटा राम ने की और दूसरी ही तुम करने जा रहे हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाओ। अरे पतलू सोचना क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम चल रही है। चलो हम फर्स्ट हैं, अभी आगे कोई नहीं बैठा है, जो पहले आएगा उसे खाने पीने की चीज पहले सर्व की जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। Excuse me, sir. You want to play drum? Yes. Why not? Are! अरे खड़े क्या हो? Come on, अपने दोस्त को कंपनी नहीं दोगे? बुरी बता, दोस्त को कंपनी नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? हमें भी दोस्त को कंपनी देनी है। आओ, आओ।
ऑडियंस, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, दिस इज लंच टाइम। जल्दी जल्दी से लंच लगवाओ ऑक्टो भैया, हमें भी बड़ी भूख लगी है। तुम लोगों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऑक्टो भैया, हम तो सबसे पहले आए थे, आपने ही तो कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोग सबसे पहले आए थे तो सबसे पहले तुम मेरे लंच में सर्व होंगे। कस्टमर की वजह से मैं भी फंस गया। बड़ा आया था दोस्त को कंपनी देने वाला। मारो यार। आप तो डॉन, ये तो सरासर चीटी है। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, खींचो, भागो, फिशी फिशी, बैंग बैंग। पकड़ो उन्हें। रुक जाओ, अब बचकर कहाँ जाओगे? तैरना है, हम पानी के अंदर है। अरे, ये कौन है? कब तक भागोगे? फंस गए। अब भाग कर कहाँ जाओगे? हो। थैंक यू शार्क दोस्त, थैंक यू वेरी मच, हमें ऑक्टोडॉन से बचाने के लिए, थैंक यू। ऑक्टोडॉन? वो तो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन है। उसने एक बार इलेक्ट्रिक फिश खाने की कोशिश की तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि वो इतना बड़ा बन गया। तब से वो हर किसी को ऐसे ही डराता धमकाता रहता है। पर अब आप लोग बिल्कुल सेफ एरिया में हैं। आइए बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए खाना सर्व करती हूँ। लो,
शार्क तो ह्यूमंस को खाते हैं, इन पर भरोसा करना ठीक होगा। हाँ, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। खाना नहीं खाएंगे, नहीं। क्यों, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? नहीं, खाना अच्छा है पर तुम्हारी नियत नहीं। इतिहास गवाह है कि शार्क ने हमेशा ह्यूमंस का शिकार किया है। तुम भी हमें खाना खिलाकर मौका पाते ही हमें खा लोगी। इतनी बड़ी बेइज्जती! एक तो मैंने तुम लोगों को ऑक्टोडॉन से बचाया और तुम लोग मुझे पर शक कर रहे हो। भागो, भागो यहाँ से, दोबारा मत आना मेरे यहाँ। निकलो, जाओ तुम भी। मार सुनिए पापड़ वाले नू, मोटू मेरे भाई, वो शार्क हमें बचा रही थी पर तुमने तो सारा मामला ही बिगाड़ दिया यारी। सॉरी बड़े भैया, वेरी सॉरी, बाद में डांट डपट लेना, अभी तो यहाँ से दौड़ लगाओ। उस तरफ से चलो। वहाँ चलो, चलो। सुनो सुनो, जल्दी गेट के अंदर आ जाओ, ऑक्टोडॉन से बचने का बस यही तरीका है। बूढ़ी बाबा, फैंटेसी वर्ल्ड। बाबा, हम लोगों का इतना ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड वेलकम तो होना ही था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक गेट से निकले, दूसरे गेट पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग एक ही जगह पे चिपक गए हैं? हमारे क्योंकि ये टेबल नहीं, कन्वेयर बेल्ट है, हमें आगे खींच रही है। नीचे देखो, डॉक्टर झटका, अपने किसी गैजेट का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकालो। जय हो बड़े भैया, तुमने तो मौके पे चौका मार दिया। ईर्ष्या करो, वो देखो। बड़ी बाबा, ऑक्टोडॉन हमारे पीछे ही है। नो डेड, मुझे मेरे
ओए मरियार, याद है शार्क ने कहा था कि ऑक्टोडॉन ने इलेक्ट्रिक फिश खाई थी जिससे वो ह्यूज बन गया। वो देखो यार, इलेक्ट्रिक फिशेस। बड़े भैया, इलेक्ट्रिक फिशेस को पकड़ूंगा तो मुझे भी करंट मार देंगी। कोई और आइडिया दो मोटू। और कोई रास्ता नहीं है। सोचो, जैसे ही हम यहाँ से बच के जाएंगे, हम गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू मोटू पतलू, मुझे ठीक करने के लिए। बाय बाय। अब हमें चलना चाहिए, जल्दी से गेम खेलो। गेम तो हम छोड़ के आए, अब तो वो मैजिकल लेडी ही हमें गेम लेके दे सकती है। हे मैजिकल लेडी, कहाँ हो? वो गेम लाओ और हमें बचाओ प्लीज। क्या आपने मुझे याद किया? हेलो एवरीबॉडी, क्या आप लोगों को फिर से गेम खेलना है? उली बाबा, आपने गेम के चक्कर में हमें यहाँ फंसा दिया। आप पूछती हो गेम खेलना है कि नहीं? खेलना है, तभी तो तुमको बुलाया है। I don't like this man. He's so rude. Bye bye. बड़ी मुश्किल से वो आई थी और तुमने उसे भगा दिया। इसलिए मेरे पाई मेरी यार, तुम मुंह बंद नहीं रख सकते थे क्या? मैं मनी सारी, हम अभी उसको बुलाता है। मैजिकल लेडी, मैजिकल लेडी, प्लीज आ जाओ ना। नो नो, पहले सॉरी बोलो तब आऊंगी। वैसे मुझे एक पार्टी में भी जाना है। आई एम गेटिंग लेट। बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। मैडम जी, आप ज्यादा खुश मत हो। हम सॉरी आपको नहीं, आपने दोस्तों को बोला था। ओह रियली? ओके, बाय बाय। बाबा, फिर से गलती से मिस्टेक हो गया। ये तो बहुत ही छोटा सेल है। हम तुमको सॉरी बोलता है, डायरेक्ट ओनली यू तुमको सॉरी बोलता है। प्लीज आ जाओ ना। लो गेम शुरू करो। Flowers. आप लोगों में से किसी को फूल पसंद है? उड़ी बाबा, फूल किसको पसंद नहीं होता? हमको फूलों का महक इतना पसंद है कि हमारा बस चले तो हम अपना आसपास में बस फूल ही फूल खिला दे। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। नहीं नहीं, वैली ऑफ फ्लावर नहीं, मॉडल से जाना है। Oh,
इस टाइम प्लीज, इससे पहले हम लोग कदम बढ़ाए याद करो यहाँ आने को किसने कहा था, किसने कहा था कि हमारा बस चले तो अपने आस पास फूल ही फूल खिला ले। कसीटा हेलो, माय नेम इज इनोसेंशिया। सब कहते हैं मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, लगता हूँ ना? बोलो बोलो। हाँ, तुम तो सच में बड़े ही इनोसेंट लग रहे हो, पर कुछ अलग से क्यों हो? फ्लावर वर्ल्ड में सब मेरे जैसे ही हैं, कुछ अलग। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है गलती से आ गए हो। अब तो तुम लोगों की हेल्प सिर्फ हमारे किंग ही कर सकते हैं। आओ मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे और तुम हमारी हेल्प कर देना। तुम्हें हमसे कैसे मदद चाहिए? मैं जैसा भी दिख रहा हूँ पहले वैसा नहीं था। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि इंसान आएंगे और सिर्फ वही हम सबको ठीक होने में हेल्प कर सकते हैं। हम जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर एक दूसरे के काम ना आए तो जीने का फायदा ही क्या। चलो। तुम तो इनोसेंट हो, पर ये कौन है? वो कैक्टो हाइना है, और उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, बस चलते रहिए। ये तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई शिकार करे और मौका पाते ही ये शिकार को छीन ले। डोंट वरी, आप लोगों का यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा। मैं जो आपके साथ हूँ। मैं अभी उनको भगाता हूँ। भाग यहाँ से, चलो आओ। तजुर्बा में दिल को छू लेने वाला ऐसा धुन कभी नहीं सुना। मुझे तो रोना आ रहा है। अय्या माँ, इसकी आवाज में कितना दर्द आए। अमरे इंसान हाथ लगे हैं। नहीं नहीं, बंद करो अपना म्यूजिक, मैंने कहा ना मत बजाओ। अरे ये तो हार्प लेडी ने इन सबको हिप्नोटाइज कर दिया। अभी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? भागो जल्दी, वो तुम लोगों को खा जाएंगे। वाले नो, हमारे तो पैर भी नहीं हिल पा रहे हैं यार, अब क्या होगा? जड़े तुम्हें खाने वाली है, जल्दी भागो। बड़े भैया, अब तो वही होगा जो इन ट्री रूट्स को मंजूर होगा। आओ गले लग लो, कल हो ना हो बदलो। हमारी जिंदगी का सफर यही तक था रे। मोटू मेरे दोस्त,
जितने कीमती तुम मेरे लिए हो उतने ही कीमती तुम्हारे आंसू भी मेरे लिए हैं। तुम्हारे आंसुओं की ताकत से ट्री रूट्स जल रहे हैं। रो रो मोटू और रो, अपने दिल का सारा दर्द निकाल दो मोटू रो। आप सब एक साथ रोइए, रोइए और रोइए, आपके आंसुओं से उनकी बॉडी जल रही है, रोइए और रोइए। अरे पत्तू रे, डॉक्टर बाबू मैं जा रहा हूँ, झटका बाबू रे। पत्तू लगता है डर के मारे मेरे आंसू सूख गए हैं, बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अरे भी आंसू नहीं आ रहे हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अभी चलो। अयो ये इंसान कहाँ से आ गए? इंसान कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? इनोसेंसिया, ये लोग तो ऐसे क्लैप कर रहे हैं जैसे इनको पहले से पता हो कि हम लोग आने वाले हैं। रोज वैली में बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स भी हैं, उनमें से किसी ने खबर की होगी। आओ किंग से मिलवाता हूँ। हाँ चलो। किंग की जय हो। आप सब लोग हमारे मेहमान हैं, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोगों की खातिरदारी करने का मौका दीजिए, छोटी सी पार्टी तो बनती ही है। सुनो, थोड़ी नींद आ गई मोटू। पेड़ के पीछे देखो, वहाँ कैक्टो हाइना छुपे हैं। ये वही आते हैं जहाँ किसी का शिकार होना होता है, ताकि ये किसी का शिकार छीन ले। कहीं ऐसा तो नहीं इनोसेंसिया भी ही हमें यहाँ बहला फुसला कर लाया हो? डॉक्टर झटका, हम लोग मुसीबत में हैं। ओए मेरे पाए, मेरे यार, जूस पीने के बाद मेरा सिर भी चकरा रहा है यार। इन लोगों ने जूस में कुछ मिलाया तो नहीं था? उड़ी बाबा, हमको तो लगा कि सिर्फ हमारा ही सिर चकरा रहा है। इनोसेंसिया,
हाँ मोटू बोलो, पार्टी कैसी लगी? पार्टी को छोड़ो और ये बताओ कि तुम हमें धोखे से यहाँ क्यों लाए हो? मैं बताता हूँ, इसने जो किया सही किया। इसने पहले तुम सबको देखा था, तो तुम्हें खाने का हक सिर्फ इसको और हमको है, इसलिए ये तुम्हें सबसे बचा कर ले आया। इनोसेंसिया, तुमने हेल्प के नाम पर हमें धोखा दिया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सोचा तो मेरा ऐसा ही था, पर आप जैसे अच्छे लोगों के साथ मैं बुरा नहीं होने दे सकता। मैंने तो खुद किंग से आप लोगों को छोड़ने को कहा था। छोड़ा तो कोई नहीं जाएगा। इतने समय बाद हमें इंसान खाने को मिला है, ऐसे कैसे जाने दूं? नो, नॉट एट ऑल। आज तो हमारे जश्न की रात है। किंग राजा, महाराजा, जो भी हो, चिंगम को खाना इम्पॉसिबल। हमें जाने दो। तुम्हें भारत माता की कसम, कानून की कसम। सॉरी इंस्पेक्टर, सॉरी, यहाँ तुम्हारा नहीं, हमारा कानून चलता है। ए, सुनो, इन्हें हमारे डाइनिंग टेबल पर पेश किया जाए। महाराज, ऐसा मत कीजिए। नहीं, 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 नहीं। मेरे पीछे पीछे भागो। I will lead the way. जल्दी भागो, जल्दी, जल्दी भागो। ये क्या हो गया? मुझे कुछ करना होगा। उड़ी बाबा, गम सर ने तो हमें सीधे डाइनिंग टेबल पर ही लिटा दिया। पतलू, धुआं उठेगा तो सब मेरे पीछे भागना, समझ गए? ये धुआं कैसे हो गया? हटाओ इसको। अब पकड़ो उन्हें, शिकार हाथ से निकल रहा है। पता नहीं अंधेरे में कहां चले गए। चलो वापस। आगे पीछे और नीचे कतरा ही कतरा है, हम कैसे बचेंगे? हमें उस पहाड़ी पे जाना होगा। चलो। वाह, क्या नजारा है, कितना सुंदर है। और बच्चों, गुरुजी, गुरुजी, देखिए मैं इंसानों को लेकर आया हूँ। इनोसेंसिया, तुम्हें पता भी नहीं है कि जिस झूठ को बोलकर तुम इन्हें यहाँ लाए थे, असल में वो एक बहुत बड़ा सच है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इंसान ही हमें ठीक होने में हेल्प करेंगे। वो कैसे? इंसान कैसे ठीक कर सकते हैं? और आप लोगों को हुआ क्या है? बहुत पुरानी बात है, हम सब आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते थे, कोई भी एक दूसरे को नहीं खाता था। फिर एक बार यहाँ अकाल पड़ा, पेड़ पौधे सब सूखने लगे,
हम सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। नतीजा ये हुआ कि सबके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। जान बचाने के लिए जिसको जो मिला वो खाने लगा। पर आसमान में बादल तो दिख रहे हैं। इन बादलों की भी जाने हमसे क्या दुश्मनी है। आते हैं, तरसाते हैं और हमेशा एक उम्मीद दिखा कर उड़ जाते हैं। तब से आज तक कभी यहाँ बरसे ही नहीं। पतलू, बड़े भैया, चिंगम सर, सब जल्दी आओ। क्या बात है मोटू, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाए? ऊपर देखो। अरे बादल, बड़े भैया, इतने सारे बादल हैं और आज तो इनको बरसना ही पड़ेगा। तुम अपने गैजेट से कुछ कमाल दिखाओ ना। ओए मेरे पैर यार, मोटू तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे बादलों में स्प्रे करे और वो बरस जाए। हाँ यार, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लोग हमें ढूंढते हुए पहाड़ी की तरफ ही आ रहे हैं। पकड़ लो इन सबको, बचकर जाने ना पाए। इन ओसेंसिया को भी मत छोड़ना। पतलू, तुम लोग बड़े भैया को दवाई बनाने में हेल्प करो, तब तक मैं इनसे निपटता हूँ। अरे मोटू, तुम अकेले नहीं हो। द नेम इज चिंगमा। बड़े भैया, अपना काम कहाँ तक पहुँचा? मुझे मेरे पैर मेरी है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा यारी। ओके बड़े भैया, लगे रहो। टाइम ओवर, फाइट स्टार्ट। काम करके निकल गए, पर हमें भी निकलने का इंतजाम साथ साथ करना होगा। घसीटा राम, मैजिकल लेडी को बुलाओ जल्दी। कौन है? हम उसको नहीं बुलाएगा। अरे घसीटा राम। ओके 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 बाबा, बुलाता है बुलाता है। मैजिकल लेडी, तुम जल्दी से इधर आ जाओ प्लीज। मैजिकल लेडी, आ जाओ ना। आपने मुझे याद किया। आई एम शॉक्ड।
जिसके मुंह से सॉरी नहीं निकलता था वो मुझे प्लीज बोल रहा है। अब बताओ आगे का गेम खेलना है या नहीं? प्लीज 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 जल्दी से गेम ओपन करो प्लीज। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में किसी का भी इतना जी हुजूरी नहीं किया जितना इस मैडम का करना पड़ रहा है। जी हुजूरी। What? I don't like this man. कभी कुछ कहता है कभी कुछ। बाय बाय। सॉरी सॉरी मैडम जी आपको भी सॉरी। लौटाओ प्लीज। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो? क्योंकि आज वो हुआ है जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। देखो आज बादल झूम कर बरसे हैं। हम सब ठीक हो गए हैं। जिनसे तुम सब लड़ रहे थे उन्हीं इंसानों ने हमें जिंदगी लौटा दी है। ये! थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने हम सबको बचा लिया। थैंक यू मोटू पतलू। थैंक यू। थैंक यू मोटू पतलू। थैंक यू। थैंक यू मोटू पतलू। थैंक यू। इनोसेंसिया तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बाय बाय। मुझे भी। बाय बाय। मिलेंगे। अगले पड़ाव में जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि एलियंस किस किस को पसंद है। हमको एलियंस बहुत ज्यादा पसंद है। हम उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वेरी गुड। तो फिर गेट सेट रेडी। टाइम प्लीज मैडम। सॉरी सॉरी हम अपने जज्बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाया। बम बम बम। Oh!
मारा। The name is चिंगामा, Inspector चिंगामा। अपर यो, फिर से मारा। मामूनी, सांप का मार खाने को हमें मिला है क्या? बस ये बबल वाले ने क्यों मारे यार? मेरा चश्मा किधर गया? मेरा चश्मा! किधर है चश्मा? नागो किधर गया? किधर गया? I am a star. Stop with the name of God. Chingam ke chango se bachna yam possible. Bole to yam possible. Chingam sir, ye apna phurphuri nagar nahi hai, jo aap unhein law ka paath padha rahe ho. Mere bhai mere yaar pakad ke rahenge. Shaitan kahenge. तुम तो ह्यूमंस हो, हमारे प्लैनेट पर कैसे पहुंचे? ये बहुत लंबी कहानी है एलियन भैया, बस ये समझ लो कि हम खेल खेल में यहाँ पहुंच गए। मैं मोटू हूँ और ये पतलू मेरा खास दोस्त चिंगम सर है, ये घसीदा राम है और ये डॉक्टर झटका। लेकिन आप लोग कौन हो? मैं किंग एलियानो हूँ और ये मेरी प्रजा, हम टीनियंस है। वैसे आप लोग बड़े छोटे छोटे और क्यूट हो। हमारा मजाक उड़ाते हो? हम टीनियंस हैं पर हम सब समझते हैं। टीन, आपके लोगों ने हमें बहुत परेशान किया। अरे अरे रो मत, मैं अपने लोगों की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, पर सच की लड़ाई कड़वी होती है। अब तो मैं सब अपने 5 टीनियंस के ऊपर छोड़ता हूँ, अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो खुद सामने आ जाएंगे। चलो सामने आओ। सॉरी, हमने आप लोगों को बहुत तंग किया। ड्रैगोना के पेट में जाने से पहले कुछ मस्ती करना चाहते थे। अब तो खत्म ही होना है। अब ये ड्रैगोना कौन है? ड्रैगोना एक ह्यूज एलियन क्रीचर है, दिखाता हूँ। वो हर महीने हम में से ही 5 लोगों को अपने साथ ले जाता है। कल महीने का वही दिन है, कल जिनको जाना है हमने उनको अपनी लाइफ की आखिरी दिन जीने की फुल छूट दे दी है। शायद इसीलिए उन 5 ने आप लोगों के साथ मस्ती की होगी। रो मत प्लीज, रो मत। हम हमें ड्रैगोना के पेट में जाने नहीं देंगे। देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है। आप लोग इतने सारे हो, ड्रैगन से फाइट क्यों नहीं करते? हार के डर से कोशिश ही नहीं करना, ये तो और भी गलत है। फाइट, फाइट। हाँ, फाइट। हमें लड़के उसे हराना होगा। हम लोगों ने आज तक किसी से कभी कोई फाइट नहीं की। खतरा आने से पहले ही हम सब छुप जाते हैं। मेरे पाई मेरी यार, कसम मेरे मरीजों के, इस तरह कब तक छुपे रहोगे? कब तक छुपते रहोगे? हमारे प्लैनेट पर हाथी और चींटी के किस्से बड़े मशहूर हैं। हाथी?
वो क्या होता है? चींटी दिमाग से काम ले तो हाथी को भी हरा सकती है यारी। अच्छा डॉक्टर झटका ने बिल्कुल ठीक कहा, ताकत शरीर से ज्यादा दिमाग में होनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करके तो देखो। हम भी आप लोगों का साथ देंगे, हाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे लड़ना है। हाँ तो भाइयों और बहनों, प्लान ये है कि जैसे ही ड्रैगोना आएगा तुम सब फुल स्पीड में भागते हुए इस पैसेज में आ जाना। तुम्हारे पीछे ड्रैगोना आएगा और फिर ऊपर से तुम्हारे साथी बड़े बड़े बोल्डर गिरा देंगे। बोल्डर के नीचे आकर ड्रैगोना खत्म हो जाएगा। इससे तो तुम लोगों की जान को भी खतरा है। कोई बात नहीं, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर तुम लोग पैदल नहीं जाओगे? सिग्नल बता रहा है कि ड्रैगन शायद यही कहीं होगा। फिर चलो इस शिप को वहीं लैंड करते हैं। देखो स्पार्क को देखो, ह्यूमन हो या फिर एनिमल, सांसें तो सबकी चलनी चाहिए पर इसके बॉडी से तो चिंगारियां निकल रही है। अरे मोटू तुमने तो इसे चला दिया। डॉक्टर झटका,
सबको बता दो वो ड्रैगन असली नहीं एक रोबोट ड्रैगन है। हमने उसमें से चिंगारी निकलती हुई देखा है। चिंगारी रोबोटिक है। आगे रास्ता नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि तुम लोगों के ही किसी दुश्मन एलियन ने रोबोटिक ड्रैगना को भेजा होगा। तुम्हारा दुश्मन ने मन 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 दुश्मन रोबोट के अंदर भी रोबोट ही निकला। एक पे एक फ्री है क्या? अरे मोटू हम सेल में शॉपिंग करने नहीं आए हैं। हमें उससे फाइट करनी होगी। श्रेडो है किंग एलियानों का कजन। श्रेडो, श्रेडो तुम
ये सब तुम कर रहे थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर तुमने ये सब किया क्यों? हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे किंग बनना था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम्हारे रहते तो मैं किंग कभी नहीं बन सकता था। तुम्हारे साथ हमें जो करना है वो बाद में करेंगे, पहले हमारे लोगों को वापस बुलाओ। बताओ कहाँ है वो लोग? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमने काफी लोगों को खो दिया है, बोलो। वो लोग जिंदा हैं। क्या? रुको एक मिनट। मोटू पतलू, आप दोनों का हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आपने हमारे ही घर में पल रहे इस घर के भेदी को ढूंढ निकाला। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है तिनियन किंग, मन में विश्वास हो तो हर मुसीबत को सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें भी वापस चलना चाहिए, पार्टी फिर कभी कर लेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड, आप लोगों ने 4 स्टेज क्लियर कर लिया है। मामोनी, हमारा 20 साल का तजुर्बा है, 4 क्या 20 स्टेज भी होगा तो हम क्लियर कर सकता है। अच्छा ऐसी बात है? सॉरी सॉरी मैडम, घसीया मजाक कर रहा है, आप प्लीज गेम लेके आओ। ये हुई ना बात, इसको बोलने का बड़ा शौक है। कम लेट्स स्टार्ट द गेम। रिमेम्बर, अगर 6 नहीं आया तो फिर से खेलना पड़ेगा। रम पम रम पम पम। पहले तुम खेलो। हुड़ बाबा, 6 आ जा, 6 आ जा, 6 आ जा। मोटू, डाइस पे 3 आने चाहिए तो ये गेम कंप्लीट होगा। मार सुटिया पापड़ वाले नू, बस एक बार 3 आ जाए, आ जाना 3। 3 आ जा, 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 आ जाना। मैजिकल लेडी, बस 2 मिनट है, हमें सबको बाय करना है। बाय 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 मोटू पतलू, बाय बाय। बूम बूम रम पम पम पम। हम वापस लौट आए। ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो। हेलो एवरीबॉडी। उड़ी बाबा, मैजिकल लेडी फिर यही खड़ी है। हो तुम फिर बोले? नहीं नहीं, मैजिकल लेडी प्लीज गेम ले जाओ। ओके ओके, डरो मत, मैं तो तुम सबको बाय करने आई थी। बाय बाय। Bye-bye!